भाइयों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्र पर बेचना चाहते हैं और आप उसका जो ऑनलाइन पंजीकरण है करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको इस वीडियो में गेहूँ पंजीकरण से लेकर और उसका जो फाइनल प्रिंट फाइनल लॉक है वहाँ तक आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। तो मेरा नाम नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 95। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में, जहां पर आपको टाइप करना होगा fcs.gov.in। मैं इसमें टाइप करके आपकी स्क्रीन पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है fcs.up.gov.in। आपको इस वेबसाइट को ही डालना है, अदरवाइज आप किसी और वेबसाइट को अपने गूगल ब्राउज़र में डालेंगे तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है आपको इस वेबसाइट को ही डालना है और सर्च वाले बटन पर क्लिक करके इसे सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद खरीद हेतु किसान पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। किसान भाइयों आपको पता ही होगा 2022-23 में गेहूँ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2015 रुपये प्रति क्विंटल है। तो सबसे पहले आपको क्रय प्रबंधन प्रणाली में आना है और खरीद हेतु किसान पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहां पर आपको फर्स्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाता है गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण। तो आपको नीचे दिए गए लिंक पर इस पर क्लिक करना है गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको बारीकी से मैं सभी स्टेपों के बारे में बताऊंगा और सबका लाइव प्रूफ आपको दूंगा। तो अगर आपने भी अपना धान में पंजीकरण किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संशोधन के लिए पेज मिलेगा, बाकी आप नवीनी पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिनका किसान पंजीकरण धान में हो चुका है तो वो किसान अपना जो पंजीकरण है यहाँ पर सिर्फ संशोधन वाले ड्राफ्ट पर क्लिक करके अपना पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि किन किसानों को अपना पंजीकरण नवीन करना है और किन किसानों को अपना जो भी है पंजीकरण रिन्यूअल करना है। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 पर क्लिक करना होगा नवीन पंजीकरण। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है 4 अंकों का इस वाले बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद आपको इस पर टिक करना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाहे आपने अपना पंजीकरण आप नया कर रहे हों या फिर आपने अपना पंजीकरण धान में कर लिया हो और आप उसे रिन्यूअल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालें, ये दोनों के लिए है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा फिल करके आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो किसान भाइयों मैंने अपना जो आधार कार्ड संख्या है वो यहाँ पर डाल दिया है और आपको भी अपना आधार कार्ड संख्या इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोड डालकर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है कृपया घोषणा को चेक करें, तो आपको इस पर क्लिक करना ही होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद आगे बढ़े वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर इस तरह से पेज लोडिंग लेता है और लोडिंग लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आपको आपके धान की जितनी भी डिटेल्स होगी आपने जो फिल की होगी वो आपको इस वाले फॉर्म में पंजीकरण संशोधन वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नया पंजीकरण कर रहे हैं, आपने पिछली जो भी धान में पंजीकरण नहीं कराया तो आपको अपनी सारी डिटेल यहां पर फिल करनी होगी। तो मैं यहां पर बता दूं, सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका जेंडर और आपका आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, उसके पिता का नाम अंग्रेजी में, उसका जो भी जेंडर होगा OBC SC ST वो यहाँ पर मिल जाएगा और उसकी जो दिनांक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर किसान का मिल जाएगा। नीचे सेक्शन में आएंगे तो आपको सेकंड नंबर में गेहूँ बेचने हेतु परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं पर ही टिक रहने दीजिए। उसके बाद आपको किसान की भूमि का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे संशोधित कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये सही लगता है कि मेरी जो डिटेल है पहले फिल की गई वो सही है और दोस्तों
आप अपना रकबा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। और दोस्तों आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो नीचे यहाँ से चेक करेंगे ये आपका कितना रकबा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे संशोधित वाले ऑप्शन पर। तो ये देखिए दोस्तों आपका रकबा टोटल यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जितना भी गेहूँ होता है सत्यापित होने से पहले पहले वो आपका यहाँ पर हो आ जाता है। तो आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टोटल आपका गेहूँ यहाँ पर आ जाता है और आपका रकबा यहाँ पर आ जाता है। अगर आप भी अपना और भी रकबा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके परगना सेलेक्ट करके आप अपना रकबा और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर दिए गए कैप्चा को यहाँ पर अंकित करना होगा। ये जो कैप्चा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस बॉक्स में डालना होगा और पंजीकरण वाले करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस कैप्चा को डालेंगे और पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पंजीकरण होगा वो पहले दिया गया होगा जो धान वाला, वो आपका संशोधित हो जाएगा। तो जैसे ही जो आपका फॉर्म है यहाँ से संशोधित हो जाता है तो आपको क्या करना, आपको पंजीकरण ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपने अपना पंजीकरण संशोधन कर लिया है नवीनी पंजीकरण करके तो आपको थर्ड नंबर पर आना है पंजीकरण ड्राफ्ट। दोस्तों आप नवीनीकरण वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या पंजीकरण संशोधन वाले, दोनों सेम ही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। आप ये ना कहें कि हमने हमारे लिए पंजीकरण संशोधन नहीं बताया। आप चाहे इस पर क्लिक कीजिए चाहे इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप धान में अपना पंजीकरण करा चुके हैं तो आपको सेम दोनों ही एक ही हैं ये, उसके बाद आपको पंजीकरण ड्राफ्ट चेक कर लेना है। तो जैसे आप पंजीकरण ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है और इस बॉक्स को टिक करना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अपना यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू होगा आपके पूरे फॉर्म का यहाँ पर अभी मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने डिटेल्स को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ या कोई कमी लग रही है, अगर आप इसे संशोधन करना चाहते हैं तो स्टेप टू से आप इसे अभी भी पंजीकरण से संशोधन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है तो दोस्तों आपको पंजीकरण लॉक फोर नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, पंजीकरण लॉक वाले ऑप्शन पर। तो जैसे आप इस पर लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है और फिर आप कैप्चा डालकर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर से अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और मैं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पंजीकरण को लॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही दोस्तों मेरे सामने कुछ इस तरह की डिटेल आती है जहाँ पर दोस्तों आपके सामने सारी भली भांति जानकारियाँ यहाँ पर बताया गया कि आप सुरक्षित करने से पहले, लॉक करने से पहले अपनी भली भांति जानकारी को चेक कर लें, सही है तभी आप इसे लॉक करें। तो लॉक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फिर से एक बार यहाँ से चेक कर लेना आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं इस फॉर्म में। अगर कोई भी आपको लगता है कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको ऊपर आना है और यहाँ से ग्रीन रंग का ऑप्शन मिल जाता है लॉक करे वाले ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पर घोषणा वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लॉक करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस घोषणा वाले ऑप्शन पर टिक करके लॉक करे वाले ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम इसे पहले लॉक कर देते हैं, इस पर टिक करना है और लॉक करे वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर है आपका, जो भी आपने लगाया था इस फॉर्म भरते समय आपने जो नंबर फिल किया था उस पर एक OTP जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से OTP आ चुका है और दोस्तों OTP आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। OTP आपका वही मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपने इस फॉर्म में फॉर्म फिल करते समय फिल दिया था। तो दोस्तों OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे वेरीफाई वाला बटन है, आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेना है। तो मैं इसे दोस्तों वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमने दोस्तों अपना जो फॉर्म है लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद दोस्तों आपको आना है पंजीकरण फाइनल प्रिंट। तो जैसे ही आप पंजीकरण फाइनल प्रिंट पर आएंगे तो आने के बाद दोस्तों फिर से आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालना है, कैप्चा डालना है और आगे बड़े वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस अब दिखाने वाला हूँ कि आपका जो पंजीकरण जो फाइनल प्रिंट है वो लॉक होने के बाद किस तरह का दिखता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना फिर से आधार कार्ड नंबर डाल दिया है स्टेप 5 में पंजीकरण फाइनल प्रिंट लेने के लिए। तो आपको भी इसमें डालना है अपना पंजीकरण फाइनल प्रिंट लेने के लिए और देखने के लिए कि आपका फाइनल लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर किसान के हस्ताक्षर और ये दोस्तों स्लिप वगैरह यहाँ पर मिल जाती है,
आप यहां से इस स्लिप को दोस्तों देख सकते हैं। और मेन बात ये होती है, जब तक आपका जो फॉर्म है एसडीएम द्वारा जो भूमि सत्यापन की स्थिति है वो यहां पर लंबित जो है वो लंबित यहां से हटकर सत्यापित नहीं हो जाती और आपकी खतौनी यहां से सत्यापित नहीं हो जाती, तब तक आपका जो फाइनल प्रिंट है वो तैयार नहीं हो जाता है गेहूँ बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सत्यापित प्रिंट ही आप वहाँ पर अपने जो भी क्रय केंद्र है आपका उस पर ले जाएंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पर यहाँ से चेक करते रहिए अपना आधार कार्ड नंबर डालकर कि आपका फॉर्म जैसे ही सत्यापित होता है तो आप अपने फॉर्म को निकलवा कर किसी साइबर कैफे के माध्यम से और अपने नीचे खतौनी इस फॉर्म के साथ लगाकर आप अपने क्रय केंद्र पर ले जाकर अपने गेहूँ को बेच सकते हैं। सत्यापित गेहूँ की मात्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर ये 00 लिखकर आ रहा है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचा है स्टेप 6 भुगतान हेतु बैंक की स्थिति। ये दोस्तों कब काम आता है, जब आपका गेहूँ जो है तब तौल हो जाती है और तौल होने के बाद जब आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जैसे ही आपका फॉर्म सत्यापित यहाँ से हो जाता है तो आप इस पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर डालकर और ये कैप्चा डालकर आगे बड़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके जो गेहूं का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक बैंक अकाउंट में पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ये छठा जो ऑप्शन है स्टेप 6 इस काम के लिए होता है। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने बारीकी से इस वीडियो में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई कमेंट्स वगैरह है, कोई भी सवाल जवाब है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आप फिर भी किसी प्रकार से कोई भी जानकारी का इशू है आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडी 95 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।